हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैच लाइव विद अस में। और आज है अहोई अष्टमी, तो अहोई अष्टमी के आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसीलिए मैंने जिनके लिए अहोई अष्टमी का व्रत रखा है वो हैं ये मगु। गुड मॉर्निंग बोल दो सबको। गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, प्रियांक है अपने स्कूल ड्रेस में और अपने चार्टशीट साथ में लेके। आज प्रियांक के स्कूल में दिया मेकिंग है, तो वही लेकर जा रहा है। टाइम हो गया है, रेडी हो गया है वो। तो आज अहोई अष्टमी का ब्लॉग शूट करना था, तो इसीलिए मैंने कहा प्रियांक के साथ ही सुबह से ही शुरू कर देते हैं। प्रियांक, आज मम्मा ने आपके लिए क्या रखा है? कलशामी। व्रत रखा है? व्रत, हाँ। प्रियांक का मैं आपको स्कूल में आज प्रियांक को लेके जानी है स्केच बुक। और प्रियांक की स्केच बुक में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, मैं आपको अभी दिखाती हूँ 2 मिनट रुकिए। ये देखिए गाइस, ये है प्रियांक की स्केच बुक, जिसमें जब गांधी जयंती थी तभी ये गांधी जी बनवाए थे और फिर होमवर्क में सेम दिए थे, तो ये वाले मैंने ड्रॉ करे हैं। कलर प्रियांक ने करा है ना। ये स्कूल के हैं ऐसे ही कलश, बैट बॉल, कार, लौकी, सब कुछ, टीचर्स डे का पाइनएप्पल, एप्पल, कलरिंग आप प्रियांक की देख सकते हैं कितनी बेहतरीन है ना। जन्माष्टमी का घड़ा, राखी, झूला, तीज का, है ना, सब कुछ है ऐसे ही। अभी हम प्रियांक को फटाफट से स्कूल भेजते हैं। आपने ड्राइंग देख ली। अब पूरे दिन मैंने करवा चौथ पे पूरे दिन शूट नहीं कर पाया था आज। हाँ, हाँ भेज रही हूँ। आज हम ट्राई करेंगे कि अभी प्रियांक जब स्कूल से आएगा तब भी, और पूजा होगी तब भी, पूरा मतलब आज कोशिश करेंगे पूरे दिन का शूट करने की। तो चलिए अब प्रियांक को फटाफट से भेजते हैं स्कूल, और फिर उसके बाद आपको मिलते हैं, आपसे मिलते हैं जब प्रियांक स्कूल से आता है। बाय बाय, बने रहिए तब तक। टाटा। कहाँ जा रहे हो तुम? स्कूल चले हम। प्रियांक एक बार खड़े होकर दिखा देना, स्वाड़ी को देख लो। अरे वाह, प्रियांक का बैग है मेरा। टांग रही हूँ बॉटल और बैग टांगती हूँ मैं। प्रियांक को फटाफट से स्कूल भेजू और उसके बाद हम मिलते हैं। तो गाइज, प्रियांक आ गया है स्कूल से और मैं हो गई हूँ तैयार। अहोई की जो कहानी है वो दिन में कही जाती है, तो वही कहानी अभी हम कहने के लिए तैयार हो गए। दीदी आएंगी, मम्मी, मैं, और ऊपर जो लोग हमारे यहाँ रहते हैं वो भी हमारे साथ ही कहानी कहेंगे। तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ। देखो प्रियांक को देखो, ये क्या बन गए आप? टोपी बाज। प्रियांक तुम टोपी बाज हो? टोपी तो लगाते हैं टोपी बाज। तो आज थोड़ा सा पता नहीं क्यों, मतलब जितनी करवा चौथ वाले दिन एनर्जी थी, आज थोड़ा सा कम महसूस हो रही है, पर कोई नहीं। अभी हम कहानी कहेंगे और कहानी कहकर फिर चाय भी पी लेते हैं इसमें। तो मे बी चाय प्रियांक और मैं दोनों मिलके चाय पियेंगे, है ना प्रियांक? कटोरी में, और मैं ग्लास में पीऊंगी। हम दोनों मिलकर चाय पियेंगे। चाय से हमें ठंडी वाली ठीक है, चाय से मे भी थोड़ी सी एनर्जी प्राप्त हो जाए तो थोड़ा सा अच्छा फील करेंगे। तो वैसे तो ठीक है, पर पता नहीं क्यों मतलब, हाँ थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब हम आपको मिलेंगे कहानी कहते हुए, और कौन कौन आएगा कहानी में वो मैं आपको दिखाऊंगी। बने रहिए। हाय प्रिया। तो मांग ले, बुढ़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता, तो कैसे और क्या मांगू? तब गणेश जी बोले कि अपने
बहु बेटे से कुछ कर मांग ले, तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहु से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहु ने कहा कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहु तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और नाती, तू तो फिर पुत्र न कोई पाता। अभी रुको, ले रही है फोटो, फोटो शूट ना कर रही है। सही है, सही ना आती मेरी है। मेरे लोटे कहाँ हैं? हमें नीचे आवाज़ है, एक आप तो दवाई जा रहे हैं, कर रही है। भगवान एक और जन्म दिया। तो गाइस हमारी पूजा हो गई है, कहानी हम लोगों ने कह लिया, आप लोगों ने देख लिया और मैंने अपना हार पहन लिया है। अब मम्मी इसे कब तक पहने रहेंगे इस हार को? दोज को पूज के उतारा जाएगा, तब तक ये हार, किस्मत वाला जो हार है ये तब तक हम पहने रहेंगे। तो वो हो गया, अब हम पियेंगे चाय। तो अब चाय मैंने बनने रख दी है, अब चाय छानते हैं और चाय पीते हैं। कपड़े कर लिए हैं चेंज, क्योंकि कपड़ों की भी हिम्मत नहीं थी, तो इसीलिए अब मैं चाय आपको अभी दिखाती हूँ, फिर हम पियेंगे चाय। देखिए चाय खोल रही है हमारी, जबरदस्त तरीके से खोल गई है पूरी। अब मैं इसे छानूंगी, दीदी मैं और मम्मी चाय पियेंगे, फिर उसके बाद शाम को तारों को अर्घ दिया जाएगा, तारों को अर्घ देंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे जो भी होगा वो। चलिए बने रहिए। तो गाइस प्रियांक गया था अपने नानू के यहाँ पर। प्रियांक क्या गया, क्यों गया था नानू के यहाँ पर? पटाखे? कौन से वाले दिए? फोड़ो 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 उत्तरी का ऐसे, और कितने दिए दिखाइयो, कहाँ है? इसमें नहीं है, ये रहे, इतने सारे दिए। अच्छा जी, और क्या करने गया था तू? पोटी वहाँ कर क्या है, है भैया वहाँ करके? अरे तू तो नानी से पोटी सुसु कराने गया था है। एक तो बम पटाके लेके आया, ऊपर से पोटी सुसु भी कर आया उन्हीं के यहाँ पे, है भाई ना लायक। वीडियो बन रहा, कहाँ जा रहा है? अब क्या कर रहा है ये बम? बम को निकाल दूं? अच्छा ठीक है, यहाँ पे फोड़ियो, आइए देखो। तो प्रियंका फोड़ेगा पटाके चटर पटर अपनी, और अब हम जा रहे हैं पूजा करने, क्योंकि तारे निकलने का टाइम हो गया है, तो पूजा करने चलते हैं। कपड़ा रख ले आगे में, मैं तारे के पन्ने को दिखाई दे रहा हूँ, कोई नहीं, इसमें भी सब पूजन होते हैं ना। हाँ जैसे कर रखा सब कोई बस।
पानी पिलाना। चलो चलो व्रत पूरा हुआ। भगवान मेरे को बहुत लंबी 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 बहुत सब्जी बनाते और बहुत बड़ा बने। क्या बनेगा बताना, कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा और क्या बनेगा, बनेगा डॉक्टर, ठीक है। और पता नहीं क्या बनेगा, पर अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। एक इंसान को आज के ब्लॉग में आपने मिस किया होगा वो बता दीजिएगा किसको किया किसको नहीं किया, है ना। और अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।